हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, अडानी पोर्ट्स की ओर से जून क्वार्टर के फिनांशियल रिजल्ट पेश हो चुका है, आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और गाइस, कंपनी की ओर से अनऑडिटेड स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड दोनों फिनांशियल रिजल्ट आउट हो चुका है फर्स्ट क्वार्टर का, जो कि कवर करेंगे। पहले कंसोलिडेटेड फिनांशियल रिजल्ट को कवर करेंगे। नंबर्स करोड़ में है, इनकम 8054 करोड़ का, मार्च 24 में 7199.9 करोड़ का और जून 23 में 6631 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों की इनकम इंक्रीज किया है। एक्सपेंस 4238.9 करोड़ का, मार्च 24 में 4450.5 करोड़ का और जून 23 में 4065 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा, इसके कारण प्रॉफिट में डाउन है। लेकिन सॉरी, एक्सपेंस बहुत ज़्यादा कम हुआ, इसके बाद ईयर ऑन ईयर की एक्सपेंस इंक्रीज किया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर की एक्सपेंस डिक्रीज किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3815 करोड़ का, मार्च 24 में 2749 करोड़ का और जून 23 में 2565.9 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट कंपनी का है इस बार का 3107 करोड़ का, मार्च 24 में 2014 करोड़ का और जून 23 में 2119 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। ईपीएस 14.41 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। सेगमेंट वाइज पोर्ट्स एंड सेज एक्टिविटीज़ और अदर्स, इन दोनों से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो या फिर ईयर ऑन ईयर। इनकम और प्रॉफिट दोनों इंक्रीज का, ऑपरेटिंग मार्जिन 64% का, प्रॉफिट मार्जिन 41% का इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। स्टैंडअलोन में कंपनी का इनकम 2741.9 करोड़ का, मार्च 24 में 2487 करोड़ का और जून 23 में 1876 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। एक्सपेंस 1649 करोड़ का, मार्च 24 में 1660 करोड़ का और जून 23 में 1294 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। एक्सपेंसेस भी कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया, जिसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1092 करोड़ का, मार्च 24 में 826 करोड़ का, जून 23 में 582 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट कंपनी का 775.9 करोड़ का, मार्च 24 में 622.5 करोड़ का और 9 करोड़ का, जून 23 में 394 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। ईपीएस 3.59 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। तो ओवरऑल गाइस, रिजल्ट अगर देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट पेश किया है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिला है इनकम प्रॉफिट में। और गाइस, इसका रिजल्ट आया है अराउंड 1240 में, इसका रिजल्ट आया, रिजल्ट आते ही कंपनी के शेयर में बहुत अच्छी ग्रोथ किया और इसका शेयर जो है 1584 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है और 1% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। 5 डे में 6% का प्रॉफिट है, 1 मंथ में 7% का प्रॉफिट। तो गाइस, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 6 मंथ में 30% का प्रॉफिट, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं गाइस। एवरेज करना चाहते हैं तो एवरेज भी कर सकते हैं। तो हम लोग वीडियो कहीं प्रिंट करते हैं, अगर कोई डाउट कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।